वेलकम टू न्यू लेसन। जो लास्ट का लेसन था उसमें तो मैंने आपको लैंडिंग पेज का एक टास्क दिया था। जो उसके पहले का लेसन था उसपे हमने एक लीड मैग्नेट पेज बनाया था। हमने लीड मैग्नेट पेज बनाया था फॉर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, आपने उसमें सीखा था कि कैसे आप एक लीड मैग्नेट पेज बना सकते हो फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। आज का जो लेसन है इसमें हम सीखेंगे कि सेम एजेंसी के लिए कैसे आप बना सकते हो वर्क विद अस पेज। ठीक है, तो जो लास्ट वाला फनल था वो हमारा वो क्या था कि लोग जाएंगे पहले लीड मैग्नेट पे। ठीक है, लीड मैग्नेट पे जाएंगे, देन वो लीड मैग्नेट डाउनलोड करके जाएंगे थैंक यू पेज पे। और थैंक यू पेज हमारा नॉर्मल पेज नहीं था, थैंक यू पेज पे हमने एक वीडियो के थ्रू अपनी सर्विस उन्हें पिच की थी। ठीक है, और वो सर्विस के नीचे हमने एक बटन डाला था जिसे क्लिक करके वो जाते अगेन वर्क विद अस पेज पे, है ना। अब जैसे ही वर्क विद अस पेज पे जाएंगे तो इसके बाद वो फॉर्म फिल करेंगे और फॉर्म फिल करने के बाद वो थैंक यू पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, सो फॉर्म वाला पेज आपको बनाना आता ही है और थैंक यू पेज आपको बनाना आता ही है। हम आज बनाएंगे पहला पेज विच इज वर्क विद अस पेज। ठीक है, तो प्लीज आप इसे ध्यान से देखिएगा ये पेज हम कैसे बना रहे हैं। अगर हम वर्क विद अस पेज बना रहे हैं एंड विच इज फॉर एजेंसी, तो फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा, राइट। तो सबसे पहले हम क्या देंगे, एक कॉन्टेक्स्ट देंगे। ठीक है, देन हम यहां पे देंगे एक मेजर हेडलाइन और उसके बाद हम यहां देंगे वीडियो, या फिर हम वीडियो की जगह दे सकते हैं मेन बेनिफिट्स जो कि इस बंदे को मिलेंगे। और या तो वीडियो ऊपर रख लो या बेनिफिट्स ऊपर रख लो, या बेनिफिट्स ऊपर रख लो वीडियो नीचे रख लो, ये इट्स अप टू यू। देन हम यहां पे देंगे एक बटन, देन हम इस बटन के नीचे देंगे सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करा सकते हैं। देन अगेन हम यहां देंगे एक बटन, देन हम अगेन यहां उसके बाद देंगे टेस्टिमोनियल और देन हम अगेन देंगे बटन। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मेट रहेगा। तो सबसे पहले देंगे हम कॉन्टेक्स्ट, है ना। सो कॉन्टेक्स्ट हमें पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं पेज और देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पेजेस पे गया, देन मैं जाऊंगा एड न्यू पे। राइट, तो हम गए एड न्यू पेज और इस पेज का नाम लिख देते हैं वर्क विद अस पेज। राइट, और मेन में आके 100% फुल विथ अगेन, मैं आपको पहले बता चुका हूं बहुत बार कि मैं यूज कर रहा हूं ओशियन डब्ल्यूपी थीम। तो मेक श्योर कि आप ओशियन डब्ल्यूपी थीम यूज करो ताकि आप सेम तरीके से लैंडिंग पेजेस बना सको। देन हम हेडर पे जाएंगे और इसे कर देंगे डिसेबल, देन हम जाएंगे फुटर और इसे भी कर देंगे डिसेबल, और कॉपी राइट एरिया रहने देंगे और इसे हम कर देंगे पब्लिश, और इसे हम कर देंगे फिर से पब्लिश। ठीक है, और इसे यहाँ पे क्लोज करेंगे और स्लग आ रहा है वर्क विद अस तो हम इसे कर देते हैं वर्क। ठीक है, और इसे कर देते हैं अपडेट और इसे कर लेते हैं व्यू पेज। आ गया एकदम परफेक्ट। अब हम जाके इसे करेंगे एडिट विद एलिमेंटर और हमें पूरा पेज एलिमेंटर पे बनाएंगे। ठीक है जी, सो इसे मैं करता हूं एडिट विद एलिमेंटर। बहुत ही सिंपल है बनाना, जैसा कि आपने यहां पे देखा ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है वर्क विद अस प्लस कॉन्टेक्स्ट देन हेडलाइन बेनिफिट्स। मैं एक काम करूंगा, कुछ लेसन्स के बाद आपको मैं एक फॉर्मेट ही प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ में बना के कि कैसे आपको बनाना है, और आप उस फॉर्मेट को रेफर कर सकते हो जब भी आप कोई भी लैंडिंग पेज बना रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें काम क्या करना है, सबसे पहले हमें लोगो लगाना है। तो लोगो के लिए मैं सर्च विजेट और यहाँ पे मैं गया, या फिर मैं एक नया काम करता हूँ, एक नया सेक्शन बना लेते हैं। और अब मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ सर्च करता हूँ इमेज, और मैं यहाँ इमेज डालता हूँ। इमेज में क्या डालूंगा, मैं अपना लोगो।
तो मैं मीडिया लाइब्रेरी में जाके, और हियर इट इज, और ये लोगो लगा दिया मैंने, ठीक। अब देन मैं यहां दूंगा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सो नया सेक्शन ऐड, और इसको यहां पे हमें कुछ लिखना पड़ेगा, तो यहां लिख देते हैं हेडिंग। अब देखो ये हम किसके लिए बना रहे हैं, हम ये बना रहे हैं बिजनेस ओनर्स के लिए, ठीक है। अब बिजनेस ओनर्स किस चीज में इंटरेस्टेड है, रिवेन्यू बढ़ाने में, ठीक है। तो हम यहां पे सिंपल लिखेंगे फॉर बिजनेस ओनर्स, ओनर्स हु आर लुकिंग टू डबल, ट्रिपल, और स्पेलिंग सही कर देते हैं, पहले आप ग्रामरली में लिख लेना चाहिए हमेशा, और इवन क्वाड्रुपल क्वाड्रुपल देयर रिवेन्यू, ठीक है। अब इसको सेंटर किया, स्टाइल पे गए, टाइपोग्राफी में गया, और न्यूनीटो, और यहां से क्लिक किया सेक्शन को, स्टाइल पे गए, कलर लिया, और इसे दे दिया कोई कलर, ठीक है, सपोज ब्लैक दे दिया। अब यहां टेक्स्ट पे क्लिक किया और टेक्स्ट कलर दे दिया व्हाइट, ठीक है। सेक्शन पे क्लिक किया और इसका लेआउट दे दिया 900, ठीक है। क्या है, फॉर बिजनेस ओनर्स हु आर लुकिंग टू डबल, ट्रिपल और क्वाड्रुपल देयर रेवेन्यू, ठीक है। इसके बाद हमें क्या लिखना है, हमें लिखनी है हेडलाइन, ठीक है। तो सिंपल हम वापस गए और क्लिक किया, इसको लाए, इधर गए हेडिंग, और यहाँ पे आप हेडलाइन लिखो फॉर बिजनेस ओनर लुकिंग डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल रेवेन्यू। तो अब यहाँ पे लिखते हैं डबल ट्रिपल और इवन क्वाड्रुपल योर, क्वाड्रुपल योर रिवेन्यू इन एज लिटल एज 180 डेज यूजिंग आर प्रूवन एंड प्रेडिक्टेबल डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ठीक। ये हमने लिख दिया, अब इसको कर देते हैं सेंटर। अब जाते हैं स्टाइल पे और टाइपोग्राफी, और इसको कर देते हैं न्यूनीटो। अब बढ़ा देते हैं फॉन्ट साइज, ठीक है, फॉन्ट और बढ़ा देते हैं, और वापस आते हैं और इसको क्लिक करते हैं, और बॉक्स को साइज कर देते हैं 900। स्टाइल पे जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं, टाइपोग्राफी पे जाते हैं, थोड़ा इसको बोल्ड कर देते हैं, ज्यादा ही बोल्ड हो गया, इतना अच्छा है, और लाइन हाइट कर देते हैं 1.1, और यहाँ सेक्शन क्लिक करते हैं, एडवांस पे जाते हैं, और ऊपर दे देते हैं 10 पैडिंग, 10 की जगह 20 कर दो, ठीक। डबल ट्रिपल और इवन क्वाड्रुपल योर रिवेन्यू इन एज लिटिल एज 180 डेज यूजिंग आर प्रूवन एंड प्रिडिक्टेबल डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है। अब इसके नीचे हमें क्या चाहिए, एक वीडियो या मेन बेनिफिट्स, ठीक है। तो वीडियो तो अभी हमारे पास है नहीं, तो एक काम करते हैं, यहां से वीडियो उठाता हूं और यहां पे उसको कर देता हूं ड्रॉप, ठीक है। जो भी हमारी वीडियो होगी वो हम यहाँ पे लगा देंगे, और अब इसके नीचे एक लाके में डाल देता हूं बटन, ठीक। इधर डाल दिया बटन, बटन पे लिख दो शेड्यूल अ फ्री ग्रोथ सेशन विद अस, ठीक। और स्टाइल में जाओ, कंटेंट में जाओ, और इसको कर दो सेंटर।
और ये जो आपका सबमिट फॉर्म वाला पेज है उसका लिंक यहां डाल दोगे, ठीक है, जो भी आपका सबमिट फॉर्म वाला पेज है उसका लिंक आप यहां डाल दोगे ताकि यहां क्लिक करके वो जाके वहां पे अपनी डिटेल्स सबमिट कर सके, ठीक है। सेम अब स्टाइल वाले पेज पे आओ और सबसे पहले तो इसको कर दो यहां पे कलर चेंज, बैकग्राउंड कलर तो मेक इट ग्रीन, ठीक, और कंटेंट, ये आपका कंटेंट स्मॉल है, लेट्स मेक इट लार्ज, ठीक है, अब इसे कर दो अपडेट, हो गया परफेक्ट, एक सेक्शन तैयार हो गया हमारा, ठीक। अब अगली चीज है, आप अगेन अब लिख दो इसके नीचे मेन बेनिफिट्स, ठीक है। अब एक नया सेक्शन बनाते हैं, अब इस सेक्शन को दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, तो यहां से क्लिक करते हैं, स्टाइल पे जाते हैं, कलर पे जाते हैं और कलर दे दिया, अब वापस आओ और यहां पे अब डालो हेडिंग, हेडिंग में लिखो हियर इज व्हाट, या फिर हियर इज हाउ वी कैन हेल्प यू, ठीक है, हियर इज हाउ वी कैन हेल्प यू, और इसे करो सेंटर में, स्टाइल पे जाओ, टाइपोग्राफी में जाओ, यहां चेंज करो, यूनिटो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दो। अब यहां पे आप क्या करो, आप जिन जिन तरीकों से इनकी हेल्प कर सकते हो वो पॉइंट्स यहां पे लिख दो, ठीक है, वो पॉइंट्स आपको यहां पे लिखने हैं। अब अगेन वो सारे पॉइंट्स आप लिखो, यहां पे हेडिंग लाओ और यहां पे आप वो सारे पॉइंट्स अपने लिख दो, जो भी तरीके हैं जिनसे आप इनकी हेल्प कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक है, आप इनके लिए क्या कर सकते हो, वी विल इंक्रीज योर ट्रैफिक एक्सपोनेंशियली विद आर पेड एड्स स्ट्रेटजीज, ठीक है। ऐसे ही पॉइंट नंबर टू, आप इनकी कैसे हेल्प कर सकते हो, तो वो पॉइंट यहां पे लिख देते हैं, ठीक है जी। सो ऐसे जितने पॉइंट हैं वो सारे आपको यहां पे लिखने हैं वन बाय वन। अभी मैं सारे पॉइंट लिखता नहीं हूं, जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू करके दिखा दे रहा हूं। अब आपको सारे जो भी अपने पॉइंट्स हैं वो सोचने पड़ेंगे ताकि आप यहां पे उन सारे पॉइंटर्स को लिख सको, ठीक, बहुत ही सिंपल। एक काम कर लो, इधर क्लिक करो और लेआउट में जाके मेक इट 900, ठीक है, सारे पॉइंट लिख लोगे आप, और ये सारे पॉइंट लिखने के बाद देन आप यहां डाल दोगे अपना एक यही वाला बटन। तो एक काम करो, इसको यहां से करो डुप्लीकेट और इसको यहां पे डाल दो, ठीक, बटन डल गया, अब इसको कर दो अपडेट, बहुत ही सिंपल, ठीक। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है, आपका सर्विसेज, ठीक है, तो अब आप अपनी सर्विसेज डाल दोगे, अगेन बहुत ही आसान। तो वापस जाओगे, यहां से नया सेक्शन ऐड कर लो और वापस जाओ, यहां हेडिंग लो और यहां पे आप डाल दो आर सर्विसेज और इसको सेंटर कर दो और स्टाइल में जाके अगेन फॉन्ट चेंज कर दो, जैसे आप अभी तक हमने देखा है, जैसे हम करते हैं। अब एक काम करो, अब यहां पे जा लो इनर सेक्शन, ठीक है, इनर सेक्शन लो और यहां पे दो कॉलम डाले। अब इसको यहां पे राइट क्लिक करो और इसको करो डुप्लीकेट, यहां पे देखो तीन कॉलम हो गया। अब यहां पे आप डाल दोगे अपनी सारी सर्विसेज, ठीक है, तो सपोज आप पेड एड्स की सर्विस देते हो तो यहां पे डाल दोगे पेड एड्स। तो पहले यहां पे आप एक लोगो भी लगा सकते हो, आइकन लगा सकते हो यहां पे, तो यहां पे सिंपल करोगे इमेज, जब इमेज बॉक्स देख रहे हो तो सिंपली इमेज बॉक्स उठा लो और यहां से अपनी इमेज चेंज कर दोगे और हेडिंग में लिख दोगे पेड एड्स और यहां पे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है, अपनी सर्विस के बारे में लिख दोगे। देन अगेन इमेज पे जाओगे, इमेज बॉक्स यहां पे ड्रॉप और यहां पे इमेज चेंज कर दोगे क्लिक करके। देन एसईओ की सर्विस देते हो सपोज करो, तो एसईओ और यहां पे थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दोगे और देन इसके नीचे फिर से क्या लगा दोगे, बटन, उसके नीचे जैसे हमने ये लगाया ऐसे आप लगा दोगे सिंपल अगेन टेस्टिमोनियल। बहुत ही आसान, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से ये आपका
वर्क विद अस, लैंडिंग पेज तैयार हो जाएगा एकदम परफेक्ट, ठीक है? कोई ज्यादा आपको मेहनत करनी नहीं, ठीक? सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन। आप ये लैंडिंग पेज एक बार बना के देखिएगा, और कल मैं कोशिश करूंगा कि कल का जो लेसन हो उसमें हम किसी और इंडस्ट्री के लैंडिंग पेज के बारे में देखेंगे कि आप कैसे लैंडिंग पेज उनका बना सकते हो किसी और इंडस्ट्री के लिए। प्लस मैं आपको 2-3 PDF के फॉर्मेट अपनी टीम से बनवा के कल कोशिश करूंगा कि वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप उसे रेफर कर सको जब भी आप कोई भी नया लैंडिंग पेज बना रहे हो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।